करेंगे। सपा ने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रुधौली से राजेंद्र चौधरी सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बस्ती सदर से महेंद्र यादव सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। फरिंदा से परशुराम निषाद को मिला है टिकट और तमकुहीराज से उदय नारायण गुप्ता प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुशीनगर से राजेश प्रताप राम को टिकट दिया गया है। देवरिया से पिंटू सैंतवाड़ सभा प्रत्याशी बने। बरहट से विजय रावत और मधुबन से सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया। बैरिया से जयप्रकाश अंचल सभा प्रत्याशी और इसी के साथ सैयद दराजा से मनोज डब्लू सभा प्रत्याशी बनाए गए। वो सूची देखिए आपके सामने, जहां पर ये समाजवादी पार्टी के कुछ प्रत्याशियों के नाम जिनकी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। रुधौली से श्री राजेंद्र चौधरी का नाम देखिए सबसे पहले आपको नजर आ रहा है और इसी के साथ बस्ती सदर से श्री महेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। फरिंदा से परशुराम निषाद को टिकट दिया गया है। तो बसपा ने ये प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 10 प्रत्याशियों की सूची जो है वो माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी ने जारी की है और इसी के साथ यहाँ पर 10 प्रत्याशियों के जो नाम है वो सामने रखे गए हैं। एक एक करके वो नाम देखिए आपके सामने। देवरिया से श्री पिंटू सैंतवार को टिकट दिया गया है। बरहा से श्री विजय रावत को टिकट दिया गया है और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, सपा के 10 प्रत्याशियों के नाम जरा कौन कौन सी सीट किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बांटी उसके बारे में डिटेल में जरा बताइए। देखिए, ये जो 10 नाम है समाजवादी पार्टी ने अभी घोषित किए हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं तमकुही राज में, वहां पर उदय नारायण गुप्ता को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो जो अजय लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विधायक हैं यहाँ से, और उनके सामने ये माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने थोड़ा हल्का कैंडिडेट दिया है। इसी तरह से बरहाज में पीडी तिवारी जो पिछला चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, उनका टिकट काट दिया गया है और विजय रावत को नया प्रत्याशी बनाया गया है। मधुबन जो मऊ जिले में पड़ती वहाँ से सुधाकर सिंह पूर्व विधायक है, उनको टिकट दिया है और सैयद राजा से पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को टिकट दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुशीनगर में जहाँ पर मंत्री राधेश्याम सिंह टिकट मांग रहे थे, वहाँ पर राजेश राव बंटी को टिकट दिया गया है। तो काफी सारे टिकट परिवर्तित किए गए हैं और कुशीनगर जिले की हाटा सीट अभी तक वहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जी बिल्कुल। देखिए वीरेंद्र जी, एक एक करके चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के जो ये नाम है प्रत्याशियों के वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये जितनी भी सीटें हैं 10 सीटें, अगर इन सीटों पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो क्या समाजवादी पार्टी को टक्कर देते दिख रहा है? देखिए, एक तो बात ये है कि 11 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। अभी तक कई सीटों पर सपा ने प्रत्याशी क्लियर नहीं किए हैं। जी, ऐसे में थोड़ी असमंजस है, लेकिन लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी है। उत्तर प्रदेश में टिकट जिसको भी अखिलेश यादव दे रहे हैं वो सीधे लड़ाई में आ जा रहा है, लेकिन यह है कि टिकट देने में देरी से बहुत सारे असमंजस बने हुए हैं। आज का ये जो टिकट है इसमें कई सारे नाम ऐसे हैं जो बहुत शानदार चुनाव लड़ेंगे और पहले भी ये लोग विधायक रहे हैं। जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जनता ने मन बना रखा है सीधी लड़ाई का, लेकिन टिकट वितरण में देरी से नुकसान भी हो सकता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा के 10 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी समाजवादी पार्टी ने। 10 नामों को घोषित कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। जैसा कि हमारे स्टेट हेड बता रहे थे कि देरी हो रही है नामों को सामने लाने में, शायद इसका थोड़ा सा खामियाजा भी भुगतना पड़े समाजवादी पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशी उतार रही है सपा, उससे वो टक्कर देते बीजेपी को दिख रहे हैं। तो सीधी टक्कर यहाँ पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावों में समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के प्रत्याशियों के सामने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो उनको उतारने की कोशिश में है और थोड़ी देरी यहां पर सपा की तरफ से होती है अभी फिलहाल नजर आ रही। लेकिन ये 10 नाम जो है वो आपके सामने समाजवादी पार्टी के 10 सीटों के 10 प्रत्याशियों के नाम। श्री विजय रावत को बरहट से टिकट, मधुबन से सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया है, बैरिया से जयप्रकाश को टिकट मिला है।